क्योंकि ये हमारे घर में बहुत ही नुकसान करते हैं। हमारी नानी सुबह इनके लिए चारा लेके आती है। देखो ये जींस है मेरी, इन्होंने ये देखो मेरे बेल्ट को भी यहाँ पे इन्होंने काट दिए, ये देखो ये, और ये रही जींस, नई नई जींस है ये मेरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए ब्लॉग में। यहाँ पे सुबह का 6 बज चुके हैं और हमारी नानी जा चुकी है चुन्नू मुन्नू के लिए, यहाँ पे चारा लेने के लिए, यानी कि घास लेने के लिए। और हमारी नानी डेली ऐसा करती हैं, और अभी तो मुझे पता नहीं वो कहाँ गई हैं। चलो चलते हैं, यहाँ फिलहाल घास वगैरह सही से दिख नहीं रही क्योंकि ये देखो बड़ी बड़ी घास है, अच्छी है नहीं चुन्नू मुन्नू के लिए हमारे। तो आइए आपको ले चलते हैं, कहाँ गई वो मुझे बताए हैं कि रोड साइड ही है। और आपको बताना चाहूँगा चुन्नू मुन्नू का आज ये आखिरी दिन है जो हमारे घर में स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है उनको रखने में, वो मैं आपको बताऊँगा वीडियोस के में। वो गाइस वो देखो हमारे नानी आ रही है, आप कैमरा में नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, वो देखो ये है हमारी नानी जो कि ये देखो चुन्नू मुन्नू के लिए घास तोड़ के लेके आ गई। तो ये देखिए हमारी नानी घास तोड़ के ले आई है ना, जिस जगह पे हम तोड़ते हैं उस जगह पे घास की कटाई हो चुकी है या फिर वो गंदगी जगह पे है इसलिए नहीं तोड़े, बाहर से लेके आए हैं। ये देखो कह रही इनको घर से छोड़ा हो इनको, अब नहीं रखें घर में है, बोलो अब नानी के बस में नहीं है भाई इनको रखना, तब छोड़ आते। वैसे आज ये आखिरी दिन है हमारे चुन्नू मुन्नू का, मिलो हमारे दो अनमोल रतन चुन्नू मुन्नू से। भैया आप लोग का खाना पीना आ गया है। ये देखो ये खाने के लिए परेशान, देखो हमें सूंघ रहे हैं ना, ये देखो हमारे ऊपर चढ़ाया है। और ये देखो ये है चुन्नू और ये है मुन्नू, ठीक है भैया नाश्ता खाओगे? अभी इनका चारा हमने बाहर रखा है और इसको थोड़ा धुल देंगे तब इन लोग को देंगे, ताकि गंदगी वगैरह लगी रहती है ना। भैया आपको चारा ला रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ भैया ला रहे हैं, आप खाओगे भुक्की आइए ना। तो इनका चारा जब धुल के देते हैं क्योंकि बाहर में बहुत सी गंदगी लगी रहती है जो कि इनको नहीं देना चाहिए, तो अभी रखा है इसको धुलते हैं और इनको देते हैं। ये लो चुन्नू मुन्नू नाश्ता आपका, लो आ जाओ। वैसे इनका नाश्ता पानी तख्त के नीचे रखा जाता है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ पे इनका नाश्ता पानी रख देते हैं, चारा और यहीं पे खाते हैं। फिलहाल ये देखो ये सूख चुकी हुई है, मतलब कल की है, इनको अब नहीं खाएंगे। ये देखो ताजा वाला ये लाए हैं, ये आ गया हमारा मुन्नू लग खाने वाला। और भैया तुम क्या खा रहे हो? ओ मूँगफली के छिलका खा रहे हो क्या भाई? हाँ मूँगफली तो खत्म हो चुकी है भाई। ये देखो मुन्नू लाल हमारे खा रहे हैं पत्ते बड़े बड़े, और ये बाप रे यहाँ पे फैन चल रहा है जिसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। खा लो खा लो खा लो खा लो भाई, गुप्पू गुप्पू कर लो। हो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फिर। तो यहाँ पे हम अपने चुन्नू मुन्नू को यहाँ पे अब ले आए हैं छत पे, यहाँ पे घूम टहल रहे। और ये देखो यहाँ पे हमारे चुन्नू मुन्नू, ओ भैया तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये यहाँ पे आ गए। अक्सर यहाँ पे हम इनको छत पे ले आते हैं इनको घूमने टहलने के लिए, नीचे कमरे में उतना मौका नहीं मिल पाता है तो इस वजह से हम ले आते हैं नीचे यहीं पे। और ये देखो इसके लिए घास भी लेके आया हूँ थोड़े बहुत। और ये आखिरी दफ़ा है जो कि यहाँ पे ये छत पे घूम रहे हैं टहल रहे हैं, और आज से इनको मौका भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज लास्ट डे है, और इसके बाद इन्हें कल हम जा रहे हैं छोड़ने जहाँ से लाया था वहीं पे। और रीज़न क्या है इसके पीछे आपको जो बता दूँ, जो इनको हम छोड़ने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत ही नुकसान करते हैं। हमारी नानी सुबह इनके लिए चारा लेके आती हैं 6 बजे, जो पुट्टी उट्टी कर देते हैं उनकी साफ़ सफाई, और प्लस घर का काम, और जो हमारे एक शॉप है वहाँ पे भी काम, मतलब नानी को हमारा बर्डन बहुत हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि नुकसान बहुत करते हैं। नुकसान में कैसे, जैसे कि खाट नुकसान कर दी, खाट को जो हमारी है उसको काट दिया, यहाँ तक कि मेरे जो नई जींस है और बेल्ट है जो कि मैंने नया नया ख़रीदा हुआ था उसको भी उन्होंने कट कर दिया। करवट बदल कर नाजुक से मोती, हंस दे फिसल कर खो न जाए
तारे जमीन पर। अरे बाबा कहाँ चढ़ के आ गए मुन्नू लाल। अरे वाह, ओ ये देखो उतर गया। अब ये देखो इसी तरह बाहर घूमेंगे छत में ऐसे, और चहलकदमी और इधर उधर टहलते रहते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ इनको हमें केयर करनी पड़ती है कि कहाँ ये जा रहे हैं, कहाँ पे ये खेल रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे बारजे जो है हमारे, देख सकते हो वो पीछे साइड के सारे टूटे हुए हैं, तो इस वजह से। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डॉगी वगैरह आया तो नहीं गया है ना। तो यहाँ पे अब हमारा वक्त हो गया नीचे ले चलने का। क्या भैया चुन्नू मुन्नू लोग, आप लोग घूम लिए क्या? अरे घूम लिए आप लोग, चले नीचे। अरे भैया नीचे भी चलना है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ भैया नीचे भी चलना है, अब चले। मुन्नू लाल तो वो तो घास चला रहा है। देखिए ये है हमारा चुन्नू लाल और वो है हमारा मुन्नू लाल। यहाँ पे ले आए हैं इनको नीचे। अब देखो आराम फरमा रहे हैं, डॉग की आवाज़ देखो सुन के एकदम टहलने लगा। ये देखो मुन्नू लाल के पास आ गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये एक्टिव रहता है। ये देखो खुजली होने लगी। अरे भैया खुजली हो रही है। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो ये जो खाट है हमारी, देखो इन्हीं लोगों ने ही कट गई है। ये देखो यहाँ पे भी बाद लगी थी ऐसे ऐसे जैसे ये लगी है ना, लेकिन अपने रास्ता जाने जाने के लिए इसको पूरा काट डाले। और भी आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे काट रहे हैं और इस वजह से हमारी नानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कट किया है, ये देखो ये कट किया है, मतलब नुकसान बहुत करते हैं। और अब ये देखो आप, ये क्या है, ये है पिंजरा और ये है इनका शौचालय घर। यहाँ पे पट्टी वट्टी करते रहते हैं। ये देखो देखो ये जींस है मेरी, इन्होंने ये देखो मेरे बेल्ट को भी यहाँ पे इन्होंने काट दिए। ये देखो ये, और ये रही जींस, नई नई जींस है ये मेरी, इसको भी, और नया नया बेल्ट भी है, इसको भी काटते हैं। चलो ये ठीक है मेरा काट दिया। और भी आपको दिखाते हैं, ये देखो ये झोला है, यहाँ पे भी इन्होंने काट के रखा हुआ है। ये देखिए, मतलब ये देखो कितने बड़े बड़े स्पॉट्स हैं इन्होंने काट के रखे। ये भी देखो जितने भी ऐसे झोले हैं मेरे घर में 3-4, सबको इन्होंने काट के रखा है। तो यहाँ पे आपने देखा ना, मेरी जींस काट दी चलो वो ठीक है, मेरा बेल्ट काट दी वो ठीक है, लेकिन जब घर का सामान का जो नुकसान करते हैं तो घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिनका इन्होंने कोई चीज़ ये काटा ना हो। ये देखो आराम कर रहे हैं ना। तो मैंने नहीं जींस लाए थे, बेल्ट लाए थे, इन लोग को दिखाया कि भाई ये देखो मेरी जींस है, तो हैंगर में हमने वहाँ पर टांग दिए थी, लेकिन हैंगर से वो गिर जाता है रात को, तो उसी में ये काट कर देते हैं। जो होंगे कि भैया आपकी जींस तो अच्छी लग नहीं रही है, हमें इसको काट देते, थोड़ा डैमेज वाली जींस बना देते तो आपकी आपके ऊपर सूट करेगी, अच्छी लगी, इसीलिए इन्होंने इतना ये देखो डिज़ाइन बना दिया है ना। ये देखो आराम कर रहा है। अब हम आ गए अपने दूसरे रूम में। इस रूम में जो हमारे चुन्नू मुन्नू है, ये बहुत ही ज़्यादा उतावले होते हैं इस रूम में आने में, और हम इनको आने नहीं देते थे। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने चुन्नू मुन्नू आए थे हमारे यहाँ पे, तो आपको पता क्या नुकसान किया था, आपको दिखाते हैं। ये देखो ये हमारे 3 खाट हैं, एक ये माँच है छोटी वाली, ये बड़ी वाली, और इसको देखो कितना ज़्यादा कट किया हूँ, आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा साइड कर दो मैं। ये देखो गाइस, फर्स्ट टाइम जब इन्होंने इस खाट को काटा ना, तो हमारे घर वालों का मन खराब हो गया। ये देखो ये, मतलब इतनी अच्छी खासी ये खाट थी, इन्होंने पूरी इसको ख़राब कर दिए। देखो अब इसमें कौन कैसे आराम करेगा, कौन लेटेगा बैठेगा। जब ज़रूरत पड़ती थी इस खाट को हम लोग बिछा लिया करते थे, तो पूरी खाट डाला इन्होंने। जब ये देखा ना, तो हमारा मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। और ये देखो ये छोटी वाली माच को भी इन्होंने ये देखो यहाँ पर काटा हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिन्होंने इन्होंने अपनी छाप ना छोड़ी हो, चाहे थोड़ा सा भी कट गया। अगर ये चले जाएंगे ना, तो इनकी यादें बहुत ज़्यादा आएंगी, जब हम देखेंगे अरे यार ये कौन काट, ये तो हमारे चुन्नू मुन्नू काटे थे। अब देखो कर भी क्या सकते हैं, इनका ये स्वभाव है, ये जान बूझ के नहीं काट रहे हैं, ये तो इनका स्वभाव है भाई, काटना कोई चीज़ को टेस्ट करना क्या कैसी चीज़ें हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि हम मार सकते हैं, लेकिन प्यार मजबूर है। अब इनके लिए कोई घर भी नहीं बना सकते सेपरेट, की खुली जगह पर मिट्टी में जहाँ पे इतना पसंद करते हैं वहाँ पे रहें इस वजह से। और हम किसी को देना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं देना चाहते, क्या पता वो जितना हम ज़्यादा केयर करते हैं कोई और करे या ना करे, या फिर उसको कैसे वो रखे, सही से रखेगा या नहीं रखेगा। तो इसीलिए जहाँ से हमने लाया था
वहीं पे हम इनको दे आते हैं। तो रात के बजने वाले हैं यहाँ पे 10:15 और यहाँ पे हमारे दोनों रतन चुन्नू मुन्नू आराम कर रहे हैं। ये देखो अब थोड़ा यहाँ पे लाइट ऑन कर दिए, ये देखो आराम करते रहे। रात को बिस्तर इनका यहीं पे लग जाता है, कभी वहाँ पे सोएंगे कभी यहाँ पे, जहाँ जहाँ मन करता है वहीं वहीं पे सो जाते हैं। क्या भैया और सो लें, आज ये इनकी आखिरी भी रात है। उठ गए क्या? देखो 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 कैसे ये बैठने जा रहा है, बतख की तरह दोनों पैर को अंदर कर लेगा और बैठ जाएगा फुला के। चुन्नू लाल मुन्नू लाल तो साफ सफाई में बिजी हुए हैं क्या? बहुत याद आओगे तुम दोनों चुन्नू मुन्नू। आई मिस यू चुन्नू मुन्नू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेगा। तो सब दिन बचे हैं।